गाइस, मैं जो ब्रेकफास्ट में है रागी इडली बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको 6 डे के वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कल जो बनाया था उसका थोड़ा सा बैटर रखा था, तो मैं वही बना रही हूँ और कुछ नया नहीं बना रही हूँ मैं। तो इसको मैंने मोल्ड पे डाल दिया है और स्टीम कर लेंगे, देन मेरा जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही रेडी। आज व्यंजन में कुछ बिल्कुल एडिशन बना रही हूँ जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो उसके लिए मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, पोमेग्रेनेट है। सो अकॉर्डिंग टू हर, आपके पास जो भी ये फ्रूट्स अवेलेबल है वो कुछ एक्स्ट्रा न्यू फ्रूट आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़े सा बनाना और थोड़ा सा एप्पल भी ले लिया है, और इसमें आपको 1 स्पून जो है हंग कर्ड ऐड करना है, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मेरी कर्ड ऑलरेडी बहुत थिक थी। एंड उसमें थोड़ा सा हनी आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है हमें। और इसमें थोड़ा सा मैं आमंड फ्लेक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, आप आमंड काट के भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से कर देना है मिक्स, और हमारा ये है फ्रूट क्रीम चाट जो भी ये रेडी हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज है सैटरडे, तो सैटरडे मॉर्निंग से बहुत काम होता है, बिजी होती हूँ, तो बिल्कुल बोले कुछ करने का टाइम नहीं मिलता बोलने बोलने का। तो इसलिए उठी भी मैं आज बहुत लेट से थी, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था सोने में। तो थोड़ा सा मेरा जो बैटर रखा था इडली का वो बना के मैंने खा लिया, और लंच में भी कुछ आज मुझे फ्रूट्स वगैरह खाने का बहुत मन कर रहा था, मिक्स फ्रूट्स। तो उनकी ये रेसिपी उन्होंने दी हुई थी इसी डाइट प्लान में ऑप्शन में, तो फिर मैंने वो खा लिया बनाकर। एंड थोड़ा सा मैंने आपको बताया इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने दही के साथ फ्रूट्स कभी नहीं खाए हैं, तो ट्राई करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा वो दही के साथ खाया, थोड़ा सा फ्रूट मैंने ऐसे ही खा लिया, क्योंकि पता नहीं इतना पसंद नहीं आता मुझे दही के साथ फ्रूट्स, तो चॉइस होती है। बट आप लोग खाइए, अच्छी थी, मेरे हस्बैंड को खिलाया तो उनको बहुत पसंद आई थी। तो ये था, और डिनर का अभी तक सोचा नहीं है कि क्या बनाना है और क्या खाना है। सो लेट्स सी, अभी मैं जाती हूँ, आज ऑलरेडी लेट हो गई हूँ मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करने में, वो करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। सेवेंथ डे है, तो आपको वेट लूज अपडेट भी करना था। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर शिखा सिंह का ये डाइट प्लान स्टार्ट किया था, तो उसके सेकेंड डे पे शायद मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि पीरियड्स में मेरा 1 to 2 kg वेट बढ़ता है, तो आपने देखा कि मेरा 1 kg वेट बढ़ा, लेकिन फिर वापस वहीं का वहीं आ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं और वहीं की वहीं मैं वापस आ गई हूँ, तो बहुत लूज नहीं हुआ, फिर भी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं। तो डॉक्टर शिखा के डाइट प्लान वर्क्स करते हैं, और उन लोगों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मेरा बहुत ज़्यादा था वेट, तो वो वाले ट्राई कर करके मेरा बहुत 2-3 किलो तो कम हो जाता था 10 डेज में, तो बहुत इफेक्टिव है। बट अभी मैं बिल्कुल क्लोज टू अपने आइडियल वेट हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेट्स सी। बट मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी, अलग अलग डाइट प्लान ट्राई करके देखती हूँ कि किससे कम होता है। तो चलिए, वेट लूज अपडेट भी आपको दे दिया, और फिर मिलते हैं बाद में। आज मेरा जो है डिनर में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं टर्मरिक मिल्क बनाकर पी रही हूँ। ये सिंपल टर्मरिक मिल्क मैंने बनाया, बट उनके चैनल पे रेसिपी अवेलेबल है, आप वो देख कर बना सकते हैं। मैंने देखी नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे बनाया है, मैंने बस सिंपल ऐसे बना लिया और मेरी नाइट ड्रिंक जो है वो स्किप हो गई। सो मैं ये टर्मरिक मिल्क पीऊंगी, एंड दैट्स इट, एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।